ध्रुव दास जी और दीपक प्रकाश जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण के भाषण सुन के जो है उनके एक्टिंग देख करके जो है मैं काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि पिछले 22 साल में से 18 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इन्होंने एक स्कूल, एक टीचर किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लिए बहाली नहीं की, एक टीचर भी नहीं। मगी, भोजपुरी, संताली, मुंडारी हो, छोटा नागपुरी, खुर्ता, खड़िया, अंगिका, किसी के लिए भी नहीं किया, बंगाली, ओडिया, लेकिन अचानक आग फैला रहे। तो एक तो रघुवर दास जी जो है उनको फिल्म फेयर अवार्ड दे देना चाहिए एक्टिंग के लिए, क्योंकि 2015 से 2019 तक इन्होंने एक भी जो है स्कूल या टीचर की बहाली नहीं की क्षेत्रीय भाषा में। दूसरा विद्युत वरण महतो जी ने, जो जमशेदपुर के मैथिल बोलने वाले, अंगिका भाषा बोलने वाले, भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग, दिल खोल करके वोट दिया भाजपा को, उनके सांसद लिख रहे हैं कि इस भाषा को हटा दिया जाए। तो मैंने कहा इतना मत दिल खोलिए, कम से कम अपना जो जो कैंडिडेट होता है पार्टी का देख लीजिए ना कि कितना बड़ा धोखा कर रहा है। तीसरी बात, जितने भी भाषा है, अंगिका हो, भोजपुरी हो, जितने भी हो, उसकी लिपि हिंदी है। तो हमारा सिर्फ सरकार से, और मुझे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सीएम से भी बातचीत शुरू हो गई है कि हिंदी को शामिल कर लें, क्योंकि प्रदेश लेवल में तो हिंदी है, हिंदी को शामिल करना तो सभी क्षेत्रीय भाषा का ध्यान हो जाएगा, नागपुरी का हो जाएगा, खुर्ता का हो जाएगा, मगी का हो जाएगा, भोजपुरी, क्योंकि लिपि हिंदी है। दूसरा, संताली हो, आदिवासी, जितने भी क्षेत्रीय भाषा, बंगाली हो रही है, संताली हो, मुंडारी, खड़िया, सबको जो है ना, सबका उत्थान के लिए, ये सब क्षेत्रीय भाषा के लिए आप टीचर का बहाली कीजिए, जितने भी क्षेत्रीय भाषा, भोजपुरी भाषा हो, मैथिल हो, संताली भाषा हो, को भाषा हो, और खास तौर से आदिवासी भाषा में आप लाखों की संख्या में बंगाली, ओरिया और आदिवासी भाषा में, संताली हो, मुंडारी, खड़िया, छोटे जो भोज और ये में लाखों में संख्या टीचर की बहाली की आवश्यकता है। और शहर में धनबाद हो, जमशेदपुर हो, भोजपुरी, मगी, रांची में, नागपुरी वगैरह की बहाली होनी चाहिए। हमारा सिर्फ यही कहना है कि भाषा के नाम पर किया कि भोजपुरी, मगी और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाना है, लिखित दिया। और हमारे जमशेदपुर के बहुत सारे लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, दिल खोल करके वोट दिए। अब देख लीजिए जिसको आप वोट देते हो, आप कितने प्रति आपको समर्थ करते हैं। मैथिल भाषा के लोग ने वोट दिया। मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं कि इनकी असली चेहरा क्या है। आपसे वोट लेंगे और आप ही को जो है ना, आप ही का माता का जो है ना बेइज्जत करेगा, क्योंकि भाषा तो माँ है ना। हर एक व्यक्ति का अपनी भाषा जो है माँ के बराबर है, तो उनको आपको जो मैथिली का कोई मतलब नहीं है, भोजपुरी का मतलब नहीं है, मगी का मतलब नहीं है, अंगी का मतलब नहीं है, कोई भाषा का मतलब नहीं है। इन्होंने तो लिख के नहीं दिया साहब। अब आप वोट दे रहे हैं, देते रह रहे लगातार, लगा रहे ईवीएम में बटन दबाओ,